एक बार की बात है, एक गुदगुदी नाम का गांव था और वहां रामू नाम का चोर रहता था। रामू बड़ा अजीब और बेवकूफ था। रात को वो चोरी करने निकलता लेकिन सुबह खाली हाथ वापस आता। पूर्णिमा की रात थी। रामू रात के 12 बजे चोरी करने निकला और एक बड़े घर के पीछे जाके उसकी दीवार तोड़ने लगा। आवाज सुनके उस घर का मालिक जाग गया और समझ गया कि यह तो रामू है और बोलता है, लगता है रामू चोरी करने आया है। इससे पहले वो पूरी दीवार ही तोड़ दे, उसे रोकना होगा। फिर वो सेठ घर के पीछे आया और देखा रामू घर की दीवार तोड़ रहा था। तो सेठ बोला, ए रामू, ये क्या कर रहा है? रामू बोला, धीरे बोलो, दीवार तोड़ के घर में चोरी करनी है। सेठ बोला, अरे कोई पूर्णिमा की रात को चोरी करता है क्या? रामू ने कहा, चुप कर, मैं अलग टाइप का चोर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर सब डरपोक होते हैं, मेरी तुलना उनसे मत करना। चल अब जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। सेठ ने सोचा कि इसको वह बेवकूफ बना के बेडरूम में जाके सो जाता हूँ। तो वो बोला, अगर तू और चोरों की तरह डरपोक नहीं है तो एक काम करके दिखा। रामू बोला, क्या करना होगा मुझे? सेठ ने कहा, सारे चोर धन दौलत चुराते हैं, तू चांद की चोरी करके दिखा। सेठ की बात सुनके रामू ने चांद को देखा और बोला, ठीक है, फिर कल सुबह देखना, चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा बोल के रामू वहां से चला गया। रामू सोच रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे, और बोला, सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब चांद चुरा के मैं अपनी अकल का सबूत सबको दूंगा। तभी रामू को पेड़ पे एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। रामू बोला, चमगादड़ की पकड़ तो बहुत मजबूत होती है, वो जिसको पकड़ ले आसानी से नहीं छोड़ते। चांद की चोरी में यह भी मदद कर सकते हैं। रामू ने फिर चमगादड़ को अपने थैले में डाल दिया। फिर एक मैदान में आया, चमगादड़ को निकाला और एक रस्सी निकाली। फिर रस्सी का एक सिरा चमगादड़ के गले में बांधा और दूसरा सिरा ट्रक में बांध दिया। देखते ही देखते चमगादड़ उड़ते उड़ते चांद तक पहुंच गया। रामू ने ट्रक को चलाया और चमगादड़ को खींचने लगा और फिर चांद जमीन पर आ गया। रामू ने जल्दी से चांद को हाथों में उठा लिया और चमगादड़ का धन्यवाद किया। अगले ही दिन रामू चांद को लेके सेठ के घर गया। रामू के हाथ में चांद देख के सब चौंक गए। सेठ सोचने लगा कि ये चांद अगर मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर सेठ बोला, वाह रामू, तुमने तो बड़ा अद्भुत काम किया है, अब चोरी चारी छोड़कर एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो खूब कमाई होगी। रामू ने यही करा, एक म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से लोग वहां चांद देखने आने लगे और रामू की खूब कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि चांद धीरे धीरे छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देख के रामू रोने लगा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? सेठ वहां आया और बोला, अरे रामू, ये क्या हुआ, तुम तो बर्बाद हो गए, अब क्या करोगे? रामू बोला, सेठ जी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। सेठ बोला, ठीक है, ऐसा करो, ये म्यूजियम मेरे को दे दो। रामू बोला, ठीक है, ये म्यूजियम आप ही खरीद लो। सेठ ने कुछ पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और रामू वहां से चला गया। फिर जब अमावस का असर खत्म हुआ
और चांद धीरे धीरे फिर से बड़ा होने लगा और फिर से लोग चांद देखने आने लगे और इस तरह सेठ खूब पैसे कमाने लगा और बहुत ही अमीर हो गया। और बेवकूफ रामू फिर से घर घर जाके वहां की दीवारें तोड़ता और चोरी करने की कोशिश करता। Kindly subscribe my channel for more interesting stories.